दोस्तों, होमिनिड्स की एक विलुप्त प्रजाति है जो आधुनिक मानव के सबसे करीबी रिश्तेदार थे। वे लगभग 400,000 से लगभग 40,000 साल पहले तक पूरे यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में रहते थे और वे बड़े हिमयुग के जानवरों का शिकार करने में माहिर थे। इस बात के कुछ प्रमाण है कि नियंडरथल ने आधुनिक मनुष्यों के साथ संबंध बनाए थे। वास्तव में आज कई मनुष्य नियंडरथल DNA का एक छोटा सा हिस्सा साझा करते हैं। नियंडरथल विलुप्त क्यों हो गए, उनका गायब होना मानव विकास का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों के लिए पहेली बना हुआ है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मनुष्य और नियंडरथल होमो नियंडरथेलेंसिस एक सामान्य पूर्वज था जो 800,000 साल पहले अफ्रीका में रहता था। जीवाश्म सबूत बताते हैं कि एक नियंडरथल पूर्वज ने अफ्रीका से यूरोप और एशिया की यात्रा की होगी। वहां नियंडरथल पूर्वज लगभग 400,000 से 500,000 साल पहले होमो नियंडरथेलेंसिस में विकसित हुए थे। मानव पूर्वज अफ्रीका में रहा, हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस में विकसित हुआ। लगभग 50,000 साल पहले आधुनिक मानव अफ्रीका से बाहर निकलने तक दोनों समूहों में फिर से टकराव नहीं हो सकते हैं। 1829 में बेल्जियम के एंजिस के पास एक गुफा में नियंडरथल बच्चे की खोपड़ी का एक हिस्सा मिला था। यह अब तक का पहला नियंडरथल जीवाश्म था, हालांकि दशकों बाद तक खोपड़ी को नियंडरथल से संबंधित नहीं माना गया था। जर्मन शहर डिसेल्डोर्फ के पास डिसेल नदी की एक छोटी सी घाटी नियंडरथल में फेल्डहोफर गुफा में चूना पत्थर काटने वाले खदान में श्रमिकों ने 1856 में पहली बार नियंडरथल हड्डियों की पहचान की। उनमें खोपड़ी का एक टुकड़ा भी शामिल था जो मानव दिखता था लेकिन काफी नहीं। नियंडरथल खोपड़ी में एक प्रमुख बोनी ब्रो रिज और बड़े चौड़े नथुने शामिल थे। नियंडरथल का शरीर भी हमारे से छोटा था। 1857 के एक पेपर में जर्मन एनाटोमिस्ट हरम शाफोसेन ने कहा कि नियंडरथल जीवाश्म प्राचीन मानव की जंगली और बर्बर जाति से संबंधित है। 7 साल बाद आयरिश भूविज्ञानी विलियम किंग ने निष्कर्ष निकाला कि नियंडरथल जीवाश्म मानव नहीं था और यह एक अलग प्रजाति का था जिसे उन्होंने होमो नियंडरथेलेंसिस नाम दिया था। जीवाश्म सबूत बताते हैं कि नियंडरथल शुरुआती मनुष्यों की तरह पत्थर और हड्डियों से परिष्कृत उपकरणों का वर्गीकरण करते थे। इनमें छोटे ब्लेड, हाथ की कुल्हाड़ी और जानवरों की खाल से मांस और वसा को हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाले स्क्रैपर शामिल थे। नियंडरथल कुशल शिकारी थे जो बड़े हिमयुग के स्तनधारियों जैसे कि मैमथ और ऊनी गैंडों को मारने के लिए भाले का इस्तेमाल करते थे। नियंडरथल संस्कृति और रीति रिवाजों के बारे में बहुत कम जानकारी है। हालांकि कुछ सबूत हैं कि नियंडरथल ने प्रतीकात्मक या सजावटी वस्तुएं बनाई होंगी, कलाकृति बनाए, आग का इस्तेमाल किया और जानबूझकर अपने मृतकों को दफनाया। आनुवांशिक विश्लेषण से पता चलता है कि नियंडरथल छोटे अलग थलग समूहों में रहते थे जिनका एक दूसरे के साथ बहुत कम संपर्क था। नियंडरथल का दिमाग इंसानों से बड़ा था, हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि वे ज्यादा स्मार्ट थे। एक हालिया अध्ययन में पाया गया कि नियंडरथल मस्तिष्क का एक बड़ा हिस्सा दृष्टि और नियंत्रण के लिए समर्पित था। ये शिकार और उनके भंडारित शरीर के समन्वय के लिए काम आया होगा। फिर भी आधुनिक मनुष्यों की तुलना में उन क्षेत्रों के लिए अपेक्षाकृत कम मस्तिष्क स्थान छोड़ दिया जो सोच और सामाजिक बातचीत को नियंत्रित करते थे। अधिकांश शोधकर्ता इस बात से सहमत हैं कि आधुनिक मानव और नियंडरथल परस्पर संबंध रखते हैं। हालांकि कई लोग मानते हैं कि दो प्रजातियों के बीच सेक्स शायद ही कभी हुआ हो। इन संभोगों ने नियंडरथल DNA की एक छोटी मात्रा को मानव जीन पूल में पेश किया। आज अफ्रीका के बाहर रहने वाले अधिकांश लोगों के जीनों में नियंडरथल DNA की मात्रा का पता चलता है। यूरोपीय और एशियाई मूल के लोगों में अनुमानित 2% नियंडरथल DNA है। स्वदेशी अफ्रीकियों में नियंडरथल DNA बहुत कम या बिल्कुल नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि दो प्रजातियां तब तक नहीं मिलती जुलती थी जब तक कि आधुनिक मानव अफ्रीका से बाहर नहीं निकल गए। नियंडरथल के कुछ जीन जो आज भी मनुष्यों में मौजूद हैं, सूर्य के संपर्क में आने वाले लक्षणों को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें बालों का रंग, त्वचा का रंग और सोने के पैटर्न शामिल हैं। जब आधुनिक मनुष्य आए तो नियंडरथल सैकड़ों हजारों वर्षों से यूरोप और एशिया में रह रहे थे। नियंडरथल पहले से ही यूरेशिया की जलवायु के अनुकूल थे और कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि नियंडरथल DNA ने आधुनिक मनुष्यों को कुछ लाभ दिया होगा क्योंकि वे अफ्रीका से बाहर निकले और उत्तर में उपनिवेश स्थापित किए।
यूरोप में नियंडरथल लगभग 40,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। होमो सेपियंस से पहली मुलाकात के लगभग 5,000 से 10,000 साल बाद। उनके विलुप्त होने के कई सिद्धांत हैं। लगभग 40,000 साल पहले जलवायु ठंडी हो गई थी, यूरोप और एशिया के अधिकांश हिस्से को एक विशाल वृक्षरहित मैदान में बदल दिया। जीवाश्म साक्ष्य से पता चलता है कि नियंडरथल शिकार ऊनी मैमथ सहित ने अपनी सीमा को और आगे दक्षिण में स्थानांतरित कर दिया है। नियंडरथल को उनके पसंदीदा खाद्य पदार्थों के बिना छोड़ दिया है। नियंडरथल और लंबी दूरी के व्यापार नेटवर्क की तुलना में अधिक विविध आहार वाले मनुष्य भोजन खोजने और कठोर नई जलवायु से बचने के लिए बेहतर अनुकूल हो सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि नियंडरथल इंसानों के साथ अंतः प्रजनन के माध्यम से धीरे धीरे गायब हो गए। इंटरब्रीडिंग की कई पीढ़ियों से नियंडरथल और उनके DNA की थोड़ी मात्रा मानव जाति में समाहित हो गए हैं। अन्य सिद्धांतों से पता चलता है कि आधुनिक मनुष्य अफ्रीका से अपने साथ किसी प्रकार की बीमारी लाए थे जिसके लिए नियंडरथल की कोई प्रतिरक्षा नहीं थी, या आधुनिक मनुष्यों ने हिंसक रूप से नियंडरथल को तबाह कर दिया जब वे रास्ते पार कर गए। हालांकि कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है कि मनुष्यों ने नियंडरथल को मार डाला।